नमस्कार, आप देख रहे हैं सैड टू। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पटना के बड़े आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा जी ने कुछ थाना अध्यक्षों की तबादला की गई है। वो तबादला में पटना सिटी के विभिन्न थानों का है। मैं बता देना चाहता हूँ, चौक थाना के गौरी शंकर गुप्ता को तबादला कर दिया गया है पुलिस केंद्र पटना में। इनके जगह पर नए थाना अध्यक्ष होंगे घोसवाड़ी के अनिरुद्ध कुमार। माल सलामी थाना के प्रमोद कुमार को पुलिस केंद्र को स्थानांतरित किया गया है। इनके जगह पर धनरुआ से सतेंद्र कुमार को पद स्थापित करने का आदेश दिया है। साथ में दीदारगंज के चेतनानंद झा जी को तबादला कर उनके जगह पर अथमल गोला के राजीव रंजन सिंह जी को पदस्थापना किया गया है। साथ ही सुल्तानगंज थाना के थानाध्यक्ष शेर सिंह यादव को पुलिस केंद्र पटना भेजा गया है और मेहंदीगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को तबादला कर शास्त्री नगर के नए थानाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही मेहंदीगंज के नए थानाध्यक्ष श्रीकांत कुमार नए थानाध्यक्ष होंगे। और जब देखा जाता है तो 2024 को भी इसी पर रख कर किया गया है। कहीं ना कहीं जब देखा जाता है तो पटना सिटी में एक तबादला के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन आज इस चीज़ को पूर्ण रूप से सहमति दे दी गई है। राजीव मिश्रा पटना के बड़े आरक्षी अधीक्षक द्वारा एक आदेश जारी पारित कर किया गया है। SSR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।